नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक पहले से बहुत अच्छा कर रहा है। 2020 से देखेंगे तो स्टॉक में बहुत अच्छी ग्रोथ थी और ये 52 वीक्स में अपने हाई 432.50 रुपीज़ पर भी रहा है। लेकिन लास्ट मंथ फरवरी में, जैसा आप सब लोग सब जानते हैं, इसमें मुझे स्पेशल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद इसका एक बार प्राइस बहुत नीचे भी गया था। तो 52 वीक से ही कह लेंगे, 52 वीक्स का जो लो रहा है 115 रुपीज़ रहा है 35 पैसे। और अभी वैसे तो हाल फिलहाल में स्टॉक ने हमेशा ही प्रॉफिट में रखा है, सभी लोग प्रॉफिट में भी रहे होंगे, फिर भी कुछ लोग अगर हाई प्राइस पर इसमें फंसे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अडानी पावर एक अच्छा स्टॉक है और अडानी पावर में आप इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो जिससे ये रहेगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, आपको कुछ वो है, तो आपका एडवाइजर आपको सलाह देगा और सही सलाह आपसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉसेस कम होंगे। करंट सीन की बात करेंगे, अभी लास्ट वीक में ये 204.90 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था और फरवरी से ये आप देख रहे होंगे कि मिड ऑफ फरवरी के बाद से ये इसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। बट इसका फ्यूचर कैसा है ये मैं आपसे शेयर करूंगा। 2 वीक्स का मैं आपको एक प्राइस की प्रिडिक्शन देने वाला हूं और ये भी मैं बता दूं कि प्रिडिक्शन के लिए बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं बैठती है, या कुछ लोग लिखते हैं कि बहुत एक्यूरेट बैठती है। इट विल बी डिपेंड्स ऑन एनालिटिकल, जो हमारे एनालिसिस हैं उस पे बेस्ड पे ये प्रिडिक्शन मैं बनाता हूं, तो उसी के बेस पे बनाई हुई प्रिडिक्शन आपसे शेयर की जाती है। 100% प्रिडिक्शन राइट होना ये तो स्वाभाविक भी शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं, कोई भी इस बात को नहीं बता सकता है। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना रहता है कि अगर आपको एक अच्छी एडवाइस मिल जाती है कि प्रिडिक्शन से आपको एक रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा कि आप कैसे प्रॉफिट में जा सकते हैं, लॉस अपना कवर कर सकते हैं, तो उसके चलते प्राइस प्रिडिक्शन की ये वीडियो हम बनाते हैं। इससे आप उसी हिसाब से अपना देख कर चलें और प्रिडिक्शन हमेशा बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं रख के बनाता हूँ, तो जिससे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, ऐसा हमेशा कोशिश रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ अडानी पावर के स्टॉक के बारे में। अभी ये 204 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था लास्ट वीक फ्राइडे को, और मार्च में ये वीडियो बन रहा है, 10 मार्च को मार्केट क्लोज हुआ है और उसके बाद से आप देखेंगे कि आगे का इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। बिल्कुल सटीक जानकारी और सटीक उसके चलते ही ये वीडियो बनाई जाती है। अडानी पावर लिमिटेड का जो स्टॉक है, मेरे एडवाइस में ये एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप 1 ईयर का मिनिमम प्लान करके चलते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के इसके अंदर कैपेसिटी या इसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है। फ्यूचर कैसा रहने वाला है वो प्रेडिक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। आप वन बाय वन करके इत्मीनान के साथ वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो डाउट भी क्लियर होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 13 मार्च 2023 को, ये करीब करीब मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है 215 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। 14 मार्च को 216.90 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और 15 मार्च को 217.75 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 16 मार्च को 226.50 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। उसके बाद में 17 मार्च को आप देखेंगे 228.10 रुपीज़ के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और उसके बाद 20 मार्च को 224.80 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 21 मार्च को 224.75 रुपीज़ और 22 मार्च यानी 22 मार्च को 225.75 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 23 मार्च को 235.10 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और 24 मार्च को आप देखेंगे 235.90 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले कमिंग 14 डेज के अंदर जो इसका अपसाइड रहेगा वो करीब करीब 235.90 रुपीज़ और डाउन साइड जो रहने वाला है वो 180.50 रुपीज़ का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 14 डेज के अंदर, ये डाउन साइड रहेगा। तो ये हाईएस्ट और पॉसिबल हाईएस्ट और लोएस्ट का जो पॉसिबल प्राइस का प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको 14 डेज का यानी कि 2 वीक्स का बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि मंथ वाइज ये कैसा रहने वाला है, पूरा ये साल किधर मूव करेगा। देखिए, अगर कोई भूचाल नहीं आता है हिंडनबर्ग की तरह तो ये प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक एक्यूरेट मिलने वाली हैं। अगर हिंडनबर्ग की तरह कोई ऐसा भूचाल नहीं आता है तो
तो सब टेक्निकल और डॉक्यूमेंट बेस पे प्रेडिक्शन है। तो अप्रैल में आप नोट कीजिए, 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल का, तो अप्रैल में भी इसमें ग्रोथ आएगी करीब करीब 234 रुपीज 40 पैसे ये रहने वाला है मैक्सिमम प्राइस में। मई में 245 रुपीज 70 पैसे, जून में 248 रुपीज 25 पैसे, जुलाई में 257 रुपीज 30 पैसे और अगस्त में 265 रुपीज 70 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने का इसको देखने को आपको मिलेगा। सितंबर में 271 रुपीज 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। अक्टूबर में 278 रुपीज 60 पैसे और नवंबर में 284 रुपीज 70 पैसे और दिसंबर में 289 रुपीज 95 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये आपको मैंने अडानी पावर लिमिटेड स्टॉक का पूरा प्राइस प्रिडिक्शन फोरकास्ट जो है आपको 2023 यानी कि 2023 ईयर्स जो अभी साल चल रहा है उसका मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया है। तो बेसिक आप सोचते हैं कि अगर अभी की सिचुएशन में आप 1 ईयर का प्लान करते हैं तो इस स्टॉक में कितना अर्निंग पोटेंशियल है। अब देखिए, अर्निंग पोटेंशियल का प्रिडिक्शन से थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन रहता है, तो आप उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ऐसा मुझ मैं उम्मीद करता हूँ। सपोज अभी ये 204-205 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और इस प्राइस के आसपास अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1 ईयर के अंदर करीब करीब 47-48% या के आसपास की अर्निंग पोटेंशियल रखने वाला स्टॉक है, यानी कि 47-48% का ये आपको रिटर्न देने का अर्निंग देने का आपको पोटेंशियल रखने वाला स्टॉक है अडानी पावर लिमिटेड का ये स्टॉक। तो नो डाउट ये एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है और इसमें आपको लॉसेज शायद नहीं होंगे शॉर्ट टर्म में भी, और आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा इससे बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। साथ के साथ अगर किसी और स्टॉक में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिख सकते हैं, हम उसका भी जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्टॉक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए। तो लास्ट में बस यही कहना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया कीजिए जिससे आपके बताए हुए वीडियो समय से आपको मिल सकें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, सलाम, ऑल द बेस्ट।